नेमावर से 1 जनवरी से शुरू हुई न्याय यात्रा 11 जनवरी को भोपाल पहुंची। नेमावर में हुए हत्याकांड के विरोध में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसियों के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। फिर सुलगा नेमावर कांड का मुद्दा। न्याय मांगने सड़क पर उतरी महिलाएं, प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई झड़प। हाथों में तख्तियां और प्रदर्शन करती है महिलाएं। नेमावर में हुए 5 आदिवासियों के नरसंहार के लिए जब न्याय यात्रा भोपाल पहुंची तो राजधानी थम गई। 1 जनवरी को नेमावर से शुरू हुई यात्रा के भोपाल पहुंचते ही सियासी पारा गर्मा गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता भी अपनी सियासत चमकाने के लिए झटपट मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर बवाल हुआ। जी न्याय मांगने निकलती है तो पुलिस न जान देगी, शिवराज न जान देगा, हम सड़क पे चिपका देंगे, राजभवन की दीवार पे चिपका देंगे जाके ज्ञापन। सियासतदानों का साथ मिलते ही न्याय यात्रा पहले से ज्यादा जोश खरोश के साथ राजभवन की तरफ बढ़ी, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक तरफ न्याय की आवाज बुलंद की जा रही है तो दूसरी तरफ सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में जुटे हैं। नेमावर हत्याकांड को लेकर आज न्याय यात्रा भोपाल तो बोल दी ना, ये बड़ी दुख की बात है। मध्य प्रदेश शर्मिंदा है इससे कि जो नेमावर की इतनी बड़ी घटना थी इस पर उनको न्याय नहीं मिल पाया, कार्रवाई सही कार्रवाई नहीं हुई। ये इसके लिए न्याय यात्रा निकालनी पड़ी, एक लड़की न्याय यात्रा निकाल रही है। बात यही है कि CBI की मांग इनकी पुरानी है, अब इन्होंने घोषणा तो करी कि हमने केंद्र सरकार को भेज दिया, लेकिन केंद्र सरकार की मंजूरी आना चाहिए। लेकिन सियासत के शोरगुल में परिवार की एकलौती बची बेटी भारती ने सिर पर कफन बांधकर अपनी आवाज बुलंद की। भारती ने सिस्टम सरकार को चेतावनी दी कि जब तक आरोपियों को सजा नहीं मिलेगी वो हार नहीं मानेगी। ये न्याय यात्रा CBI जांच को लेके है और आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी हो, और ये न्याय यात्रा जो पूरे मध्य प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों पे जो लगातार अत्याचार हो रहा है उसके लिए भी है, इसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए। आज दिन भर भोपाल में नेमावर कांड की गूंज सुनाई दी। देखना होगा कि प्रदर्शनकारियों की मांग कब तक पूरी होती है और पीड़ित पक्ष को न्याय कब मिल पाता है। टीम न्यूज़ स्टेट।